जमीन सर्वे से जुड़ी जानकारी के लिए अब आपको नहीं लगाना पड़ेगा किसी भी दफ्तर का चक्कर। नमस्कार, न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में 20 अगस्त से ही जमीन सर्वे कराया जा रहा है और उसको लेकर आए दिन नए नए अपडेट विभागीय मंत्री विभागीय पदाधिकारी की तरफ से सामने आता रहा है। और एक और नया अपडेट सामने आया है जो आम लोगों को राहत प्रदान करेगी। कई ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी कन्फ्यूजन की वजह से दफ्तरों का चक्कर काटते हैं, पदाधिकारियों का चक्कर लगाते हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि विभाग ने अब उनकी सहूलियत के लिए एक नंबर जारी किया है और उस नंबर पर आपको कॉल करना है और अपने सवाल पूछने हैं और सामने वाला अधिकारी जो है आपको उन सवालों की जवाब देगा। बिहार में भूमि सर्वे कराने के निर्णय से अफरा तफरी का माहौल है। रैतों को जमीन से संबंधित कागज निकालने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी कार्यालयों में कागज निकालने को लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। हालांकि सरकार ने रैतों के गुस्से को भांपते हुए 3 महीने का समय बढ़ाया है, साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। अगर किसी को समस्या है तो वो टोल फ्री नंबर पर फोन कर जानकारी ले सकता है। बता दें कि राजस्व और भूमि सुधार मंत्री से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जसवाल ने कहा कि भूमि सर्वे का काम चल रहा है और चलता रहेगा। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि इसके लिए 3 महीने का समय बढ़ाया गया है, जिससे रैयतों की मुश्किलें कम होगी और उन्हें लाभ मिलेगा। राजस्व विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी जनता को मदद करेंगे। वहीं पटना में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जमीन माफिया जमीन सर्वे को लेकर अफवाह फैला रहे थे। विभाग द्वारा एक टोल फ्री नंबर 1800-3456215 जारी किया गया है, जिस पर रैत अपनी समस्या और शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे बंद नहीं होगा, ये चल रहा है और चलते रहेगा। सर्वे को लेकर अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन सर्वे होने के बाद भूमि से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी की भी अगर शिकायत मिलेगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 महीने में कैथी लिपि का विभाग के लोग प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने बताया कि कैथी लिपि के साथ हिंदी में भी लिखने का निर्देश दिया गया है। देखिए, बिहार में भूमि से जुड़े तमाम विवादों को खत्म करने के लिए सरकार ने ये नई पहल की, जहां पर भूमि सर्वे कराया जा रहा है और अब इस सर्वे को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है। उनके मन में बहुत सारे सवाल है और इन सवालों को लेकर वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं करना होगा क्योंकि विभागीय मंत्री दिलीप जसवाल ने इसको लेकर नया अपडेट दिया है। उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है और इस नंबर पर सिर्फ आपको कॉल करना है, आपके सवाल पूछने हैं और सामने वाले अधिकारी आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।